हाइपर एक्टिविटी को लेकर बहुत से पेरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि जो आप एक्टिविटीज़ बताते हो उनसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट तो आती है, लेकिन क्या वो सिर्फ टाइमिंग के लिए है, थोड़े टाइम के लिए है, और क्या वो आगे चलकर जो है उन एक्टिविटीज़ का असर ख़त्म हो जाता है, बच्चे फिर से हाइपर होने लगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप बच्चों के साथ लगातार कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं तो बच्चों में डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट आती है जो कि लाइफ टाइम के लिए उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर देती है. क्योंकि मैंने ये इम्प्रूवमेंट्स अपने बेटे में देखी हैं, उसको हाइपर एक्टिविटी के बहुत से इश्यूज़ थे जो कि काफ़ी हद तक अब सॉल्व हो चुके हैं. इसीलिए मन में ये रखकर चलिए कि जो आप एक्टिविटीज़ उसके साथ कर रहे हैं या जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आज जो शेयर करने वाली हूँ, वो सभी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा यूज़फुल और इफ़ेक्टिव हैं कि बच्चों की हाइपर एक्टिविटी लॉन्ग टर्म के लिए, बच्चे जो हाइपर एक्टिव रहते हैं वो शांत होने लगते हैं और नेचुरल तौर पर शांत होते हैं. आपको उसको कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेचुरल वेज में हाइपर एक्टिविटी को कम करना है. अगर एक बच्चा घूम रहा है बिना किसी काम के, बिना किसी मीनिंग के, और कभी कोई चीज़ गिरा रहा है या कोई चीज़ तोड़ रहा है, इन सब से पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं और ऐसे में मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. बहुत से मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो ले जाते डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. तो ऐसे में हमें बच्चों के साथ में उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन. हमें सोल्यूशन करना है, सोचना है कि किस तरह से हम अपने बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या शांत कर सकते हैं. अगर देखा जाए तो हाइपर एक्टिव बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है और वह जल्दी सीखते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं बना पाते, इस वजह से उन्हें सीखने में बहुत वक्त लग जाता है. इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम उनकी हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ को समझें, उनके कॉन्सेंट्रेशन पर काम करें ताकि बच्चे ईजिली चीज़ों को समझ पाएँ. हाइपर एक्टिव बच्चों को परेशानी रहती है सिटिंग स्टिल देने में, स्लीप के इश्यूज़ रहते हैं, उनको सो नहीं पाते हैं अच्छे से. इसके अलावा इधर उधर घूमते रहते हैं, डिस्ट्रक्टिव रहते हैं काफ़ी, चीज़ों को तोड़ना, मारना, एग्रेशन बहुत अधिक रहता है. इसके अलावा बिना किसी बात के घूमते रहना, जंप करना बेड पर, काउच पर, या ऊपर चढ़ जाना दीवारों पर, या फिर कोई अनसेफ जगह पर चढ़ जाना बिना इस बात को समझे कि उनके लिए कितना अनसेफ है, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के ही सिम्टम्स रहते हैं जिन्हें हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है. हाइपर एक्टिव बच्चे को किस तरह से घर पर हैंडल किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि किस तरह से उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम किया जाए बिना मेडिकेशन के, नेचुरल वेज में. आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि किस तरह से हम बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को नेचुरल वेज में मैनेज कर सकते हैं. मेडिटेशन हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बच्चों को ये रिलैक्स करता है, उनकी बॉडी, उनके माइंड को शांत करने में. जो बच्चे लगातार दौड़ते रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. साथ ही साथ ये बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, और जिन बच्चों को एग्रेशन के बहुत अधिक इश्यूज़ रहते हैं उनके एग्रेशन को भी कम करने में हेल्प करती है. इसके अलावा योगा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों के लिए, क्योंकि इससे स्ट्रेचिंग होती है बच्चों की. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करें, स्ट्रेचिंग से बच्चों को एक रिलैक्सेशन मिलता है उनकी बॉडी को, उनके माइंड को. योगा बच्चों को कॉन्सेंट्रेट रखने में हेल्प करता है. इसके अलावा बच्चों के अग्रेशन के इश्यूज़ कम होते हैं और उनको सेंस इनपुट मिलता है. रीजन्स क्या रहते हैं हाइपर एक्टिविटी के? कुछ उनका ऐसा मूड स्विंग्स रहते हैं, बच्चों में गुस्सा बहुत रहता है, क्योंकि जो बच्चे खासकर नॉन वर्बल रहते हैं उनमें इतना ज़्यादा अग्रेशन रहता है कि अपनी चीज़ों को वो बता नहीं पाते, जिस वजह से वो अधिकतर हाइपर रहते हैं. इसके अलावा उनकी डाइट कुछ ऐसी रहती है, कुछ बच्चों को डाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है हाइपर एक्टिविटी के लिए. हम बिना जाने कि कोई चीज़ उनके लिए सही है या नहीं है हम उन्हें दे देते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के चलते बच्चे हाइपर होते हैं. अगर मैं डाइट की बात करूं तो ADHD बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं उनके लिए हमें कुछ स्पेशल डाइट नहीं पड़ती है. स्पेशल डाइट प्लान का मतलब है कि कुछ ऐसी डाइट देना जिससे कि बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम हो. कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को दे देते हैं जो बच्चों को शांत करने की बजाय हाइपर कर सकती हैं. आप उन्हें बनाना दे सकते हैं, ओटमील दे सकते हैं, इसके अलावा होल व्हीट ब्रेड दे सकते हैं, एप्पल्स दे सकते हैं, ऑरेंज दीजिए. ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों को फाइबर देती हैं. जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. इसके साथ साथ बच्चों को फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स देना, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली बीन्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं. या पीस की बात करूँ मैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का बच्चों को कैल्शियम भी उसमें बच्चों को मिलता है. उसके साथ साथ बच्चों को ये काम डाउन रखने में बहुत हेल्प करती हैं. उनके फोकस को बढ़ाने के लिए आप उन्हें राजमा दे सकते हैं, वॉलनट दीजिए, बादाम दीजिए और एग्स दे सकते हैं. एनर्जी लेवल को बैलेंस करने के लिए सोया मिल्क, बनाना फ्रूट्स, स्पिनच और जूसी फ्रूट्स दिए जा सकते हैं. कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ब्रोकली, स्पिनच, ओटमिल्स और योगर्ट दिए जा सकते हैं. पैक्ड फूड बच्चों को ना दें.
जो रहती है वो रहती है मेडिसिंस। एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स रहता है अधिकतर बच्चों पर। ऑटिज्म में बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं। इसके अलावा स्लीप का कम होना, स्लीप की क्वालिटी का कम होना, ये सब चीज़ें भी बच्चों को हाइपर करती हैं। और एक जो डीप रूटेड कॉज रहता है वो रहता है सेंसरी नीड्स। जो अनमेट सेंसरी नीड्स रहती हैं उनकी, जिनकी वजह से बच्चे उस इनपुट को, जो उन्हें सेंसेशंस चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है, उसकी वजह से भी बच्चे हाइपर रहते हैं। सेंसरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि सेंसरी इशूज़ बच्चों को हाइपर करने में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हम बच्चों को अगर सेंसरी नीड्स को पूरा करते हैं तो बच्चे काफ़ी शांत बने रहते हैं। इसमें मैंने टेक्टाइल सेंसरी पाथ को यूज़ किया इस एक्टिविटी के लिए, अलग अलग टेक्सचर यूज़ किए हैं ताकि बच्चे को वो टेक्स्चर मिल सके। इसके अलावा मैंने ये दाल ली है, दाल में मैंने कुछ कलर्ड बीट्स डाले हैं जिन्हें बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसको विजुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है, विजुअली इसको पसंद आ रहा है। इसके अलावा टैक्टाइल इश्यूज जो जिन बच्चों को रहते हैं उनके लिए सेंसरी बिन्स जैसी एक्टिविटी बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट वन जो है वो एक्टिविटी है जिसमें सिंपली बच्चा चल रहा है और उसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये एक चीज़ की बच्चों को एक टारगेट देना, एक चीज़ देना, विजुअल क्यू देना कि आपको इसी के ऊपर चलना है। टारगेट पर चलना और सही तरह से चलना बिना कोई पॉइंट मिस किए, ये भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में हेल्प करता है। सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है क्योंकि हाइपर एक्टिविटी को कहाँ पर लगाया जाए, बर्न किया जाए उस एनर्जी को जो बहुत अधिक है उनमें। उसके लिए हमें ज़रूरत रहती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ की, कुछ ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिनमें रिदम हो, जिनमें एक टारगेट हो, उस चीज़ को करवाना बच्चों को मॉर्निंग टाइम में बहुत ही इफेक्टिव रहता है। हाइपर एक्टिव बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें फिज़िकल एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी ऐसी हो जो कि आप रिदम, जिसे कहते हैं हम रिदम में करवाना बच्चों को, रिदमिक मूवमेंट जिन्हें हम कहते हैं, कि बार बार एक्सरसाइज को चेंज करना और लगातार बदलते रहना। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज को बदलते रहते हैं कुछ टाइम तक करवाने के बाद, उन्हें 1 2 3 4 का पैटर्न दे सकते हैं, 1 2 3 4 एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद फिर से 1 2 3 4। इस तरह से बच्चों का एक ये चीज़ पैटर्न बन जाता है जिससे कि बच्चों के ना सिर्फ कंसंट्रेशन पर आप काम करते हैं और उनको जो फिज़िकल एनर्जी जो उनमें अब अधिक रहती है, अधिक मात्रा में रहती है, वो कम होती है और बच्चे फोकस्ड रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद उन्हें कौन सी नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग करवाना बच्चों को, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है क्योंकि जब बच्चों की आप स्ट्रेचिंग करवाते हैं उन्हें सेंसरी इनपुट मिलता है, उनके जॉइंट्स को सेंसरी इनपुट मिलता है जो हेल्प करता है उन्हें शांत रखने में। स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चों को हाइपर करने में क्योंकि स्क्रीन टाइम से बच्चों में लैंग्वेज तो डेवलप नहीं होती, उनके लैंग्वेज तो रुकती ही है। उसके साथ में जो चीज़ रहती है कि सोशली बच्चे डिस्कनेक्ट होते हैं, उसके साथ में उनमें स्टिमिंग के बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं और हाइपर होने लगते हैं बच्चे। जैसे कि वीडियो गेम्स देखना, एकदम से कार्टून्स देखना, कुछ ऐसी चीज़ें देखना जो बहुत तेज़ी से हो रही हैं स्क्रीन पर, ये चीज़ें भी बच्चों के ब्रेन को बहुत हाइपर करती हैं। हमें उन चीज़ों की जगह, स्क्रीन टाइम की जगह, हमें उन्हें बच्चों को ग्रीन टाइम देना चाहिए। बच्चों को पार्क के जाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चों की लैंग्वेज भी डेवलप हो और उसके साथ साथ में उनके वो सेंसरी इश्यूज, वो उनको सेंसरी इनपुट मिल सके क्योंकि ग्रास पर नंगे पांव चलना भी उनको टैक्टाइल देता है। इसके अलावा अलग अलग व्यूज नेचर के देखने, ब्राइटनेस देखनी, वो उन्हें अच्छी लगती है, उनको विजुअल इनपुट मिलता है। तो बाहर जाने के भी उन्हें बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे को वो नेचुरल वे में बच्चा वो इनपुट ले रहा है जो वो इधर उधर घूम कर लेने की कोशिश करते हैं। बच्चों की एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उनकी एनर्जी कोई अच्छी जगह पर जाए, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ उन्हें दी जा सकती हैं। उन्हें खेलना सिखाना, उन्हें खेल में उनकी एनर्जी को बर्न करना, ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आप इसके लिए स्लाइड्स या स्विंग्स की हेल्प ले सकते हैं जो बच्चों को सेंस इनपुट भी देता है। इसके अलावा एक चीज़ जो हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में आप करेंगे उनको हैंडल करने के लिए, डिसिप्लिन को रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिसिप्लिन जब तक नहीं है, बच्चा डिसिप्लिन वे में बच्चे को रखना कि आपको इतने टाइम तक ये काम करना है, एक उनको स्ट्रक्चर्ड वे देना कि आपको ये रूटीन में जो एक्टिविटीज़ उसको आप दे रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में दें, ऑर्गेनाइज्ड वे में दें ताकि बच्चा उन चीज़ों को समझ सके, उसको प्रेडिक्टेबिलिटी रहे कि मुझे क्या करना है या मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बच्चे समझना शुरू कर देते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिससे उनका इधर उधर भागना कम हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे लगातार रनिंग करते हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, अगर हम उन्हें टारगेट देते हैं कि बच्चों को कि एक जगह से दूसरे पॉइंट, दो पॉइंट्स दे दिए हमने, उसके बीच में चलना है, वो एक चीज़ बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करती है क्योंकि वो टारगेट के साथ में चल रहा है, वो अपनी एनर्जी को भी लगा रहा है, उसके साथ साथ भी वो अपने कंसंट्रेशन पर भी काम कर रहा है। ये एक्टिविटी स्पेशली मैंने डिज़ाइन की है हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए जो कि उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, साथ ही उनको ऑब्स्टेकल कोर्सेस हम कहते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करती है। जो बच्चे लगातार
चीज़ों में बम्पिंग करते हैं, बिना देखे दौड़ते हैं, उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे देखकर चलना सीखें और कहाँ पर चल रहे हैं, स्पेस में कहाँ पर है, इस बात को समझें। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ रिंग्स बीच बीच में रखे हैं और बच्चे को बोला है कि उससे एक एक करके वो रिंग आगे जाकर डालना है। इसमें बच्चे का ध्यान लगातार उन रिंग्स पर है, उस बात पर वो चल रहा है कि उसे कहाँ तक चलना है और कहाँ से उसे रिंग उठाना है और कहाँ पर डालना। इसके अलावा मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं। प्यार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपने बच्चों को सिखाना भी है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनके गलत बिहेवियर्स को एक्सेप्ट ना करें, जो भी वो चीज़ को, क्योंकि हम शुरुआत में ये चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ इंजूरियस हो जाते हैं, खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक रेखा रहती है, उस रेखा को बच्चा क्रॉस ना करे, कि प्यार अपनी जगह पर है लेकिन हमें उसे सिखाना भी है, जो बहुत ज़रूरी है। हमें उसे बताना है कि उसको गलत बिहेवियर नहीं करने हैं और उन गलत बिहेवियर्स को रोकना और उन्हें डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप उन्हें रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ या कामिंग एक्टिविटीज़ की बात करूँ कि जिससे बच्चे रिलैक्स हों, कुछ कामिंग म्यूज़िक या कामिंग व्यूज़ जो हैं, कामिंग विजुअल देना बच्चों को, वो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करता है। इसके अलावा उन्हें मसाज दी जा सकती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। उन्हें बिठाना इस तरह से नहीं कि हमें उसे एक पनिशमेंट की तरह बिठाना है, उसे खेल खेल में बिठाना या इंटरेक्शन करना उनके साथ में, जिससे कि बच्चे आराम से आपके साथ बैठे रहें। कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज़ देना, क्योंकि जो बच्चे हाइपर रहते हैं, मैंने देखा है उनका कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, हाइपर एक्टिविटी का सीधा असर रहता है कॉन्सेंट्रेशन पर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ दें। बच्चों की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रहती है जब आप हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ काम करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन अक्सर कम रहता है हाइपर एक्टिव बच्चों का, ना सिर्फ बल्कि जो एएसटी बच्चे रहते हैं जिनको सेंस इश्यूज रहते हैं, उनका जो फोकस है या कंसंट्रेशन है कम रहता है। उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे मैंने किया है, पेंसिल से कुछ डॉट्स लगाए हैं, बच्चे को पेंसिल को आगे कर उस छोटी सी जो चीज़ उसने गोल डाली है उसके अंदर डालेगा और उसे पूरी तरह से एक्टिविटी को करना। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी तरह से बच्चे को ब्लॉक्स का, इन क्यूब्स का ही बनाना है, इस पर बच्चा ना सिर्फ बैलेंस पर काम कर रहा है बच्ची, बल्कि उसके कंसंट्रेशन भी पर भी काम कर रही हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो रिलैक्सिंग एक्टिविटी है। छोटे बच्चों को आप राइडिंग टॉयस दे सकते हैं या फिर आप रॉकिंग चेयर दे सकते हैं अगर आपका बच्चा बड़ा है, क्योंकि जो ये मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ, स्लो मूवमेंट, बच्चों को हेल्प करती है उन्हें शांत रखने में। आप चाहे तो स्विंग भी ले सकते, बच्चे को दे सकते हैं, लीनियर में आप दीजिए बच्चे को स्विंग। इसके अलावा जिन बच्चों को एग्रेशन रहता है या जिन बच्चों को इम्पल्सिव रहते हैं, बच्चे इम्पल्सिविटी के इशू रहते हैं, अग्रेशन अधिक रहता है, अपनी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्ट्रेस बॉल बहुत यूज़फुल है। आप बच्चों को दीजिए और लगातार उसे प्रेस करने के लिए बोलिए। उसे लगातार बच्चा जब प्रेस करके रखता है तो बच्चों को सेंस इनपुट देता है, बल्कि उनकी जो हैंड मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में हाइपर एक्टिविटीज़ के इश्यूज़ को कम करने में और एक हाइपर एक्टिव बच्चे को सही से मैनेज करने में और हैंडल करने में।